आधुनिक समय में संगीत सुनने वालों के लिए कई तरह के डिजिटल फॉर्मेट और एप्लीकेशंस चल पड़ी हैं। ऐसे में सारंगी या फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े संगीत वादकों से अपने जीवन यापन करने वालों के लिए रोजी रोटी चलाना मुश्किलों भरा बनता जा रहा है। कई पीढ़ियों से सारंगी बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे रणवीर सिंह, जो कि राजस्थान के निवासी हैं और देश के भिन्न भिन्न कोनों में घूमकर लोगों का मनोरंजन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं, इनका कहना है कि अब देश में सारंगी के माहिर बहुत कम रह गए हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि ये प्राचीन कला जीवित रह सके। मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और अपना ये कारोबार है संगीत सुनाने का, किसी का दिल बहलाना, ये काम है जी। मेरा नाम रणवीर है, रहने वाला बीकानेर का हूँ और अपना ये सारंगी का काम है, गाना बजाना करना, किसी का मनोरंजन करना बचपन से। जो हमारे बुजुर्ग थे ये हमारा खानदानी काम है, जो दादा परदादा जो थे वो भी यही करते हैं और हम भी फिर यही करने लगे। देशवासियों को यही संदेश है कि वो भी काम करो, संगीत के साथ करो। माँ सरस्वती ने हमारे को रोजगार दिया है, तो हर नशे प्रकार से दूर रहना चाहते हो और अपने संगीत में जुड़ा रहना चाहिए। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? यही बस के संगीत में रहना चाहिए, कोई भी इंसान है उसको संगीत सीखना चाहिए और अपने हौसले से आगे बढ़ना चाहिए। किसी को नहीं अपना नशे से दूर रहना और सरस्वती के माँ के चरणों में रहोगे तो कभी आप भूख नहीं मरोगे, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। नमस्कार। दुनिया की बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल च एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रहा तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।